प्रभु किसी भी ऐसे मकसद के लिए इस दुनिया में नहीं आया, एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस दुनिया में आया कि सारे मनुष्य जाति का उद्धार करे अपने प्राण देने के द्वारा। हालेलुया। ताकि बाइबल कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई ये विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठेगा और आज भी जिंदा है, वो स्वर्ग लोक का वारिस बनेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का अल्टीमेट प्लान था मनुष्य जाति के लिए। यही परमेश्वर का सबसे बड़ा प्लान था मनुष्यों के उद्धार के लिए, कि वो खुद इस दुनिया में आए, अपने प्राणों को मनुष्यों के लिए दे, और जो कोई विश्वास करे वो नरक में ना जाए पर स्वर्ग में उसके साथ हमेशा 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 के लिए रहने लगे। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, दो प्रकार के विश्वास होते हैं, दो प्रकार के विश्वासी भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में समस्याएं रहती है, बीमारियां रहती हैं, लड़ाइयां, झगड़े, तरह तरह के दुष्टात्माओं के काम, जादू टोने और भी बहुत प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं। बहुत सारे लोग पहली बार चर्च में ऐसे ही आते हैं, उनको बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर है, दुष्टात्माओं को निकालने वाला परमेश्वर है, आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बहुत लोग इस बात के कारण चर्च में आते हैं और उनका विश्वास भी वहीं तक बना रहता है कि बस एक बार हम चंगे हो जाएं, एक बार हम छुटकारा पा जाएं, एक बार हम आजाद हो जाएं, उसके बाद उनको नहीं पता, उनको अभी की चंगाई चाहिए। उनको बस यही दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और उनको उससे ज्यादा नहीं पता। हम में से बहुत सारे जन अपने प्राणों की फिक्र ज्यादा करते हैं। प्राण और आत्मा अलग चीजें हैं। प्राण है जो आपकी देह के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, जिसमें आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आपको पीड़ा होती है, आपको खुशी होती है, आपको दुख होता है, कलेश होता है, वो आपका प्राण है। और यीशु मसीह कहता है तू चिंता करके ये मत कहना क्या खाओगे क्या पियोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। तब भी हम में से बहुत सारे जन अपने प्राणों की चिंता करते हैं, और बाइबल ऐसा कहती है जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का हमें अपने में बुलाने का सिर्फ यही मकसद नहीं था कि हमें छुटकारा दे, चंगाई दे और आजाद करे, बल्कि उसका सबसे बड़ा मकसद था कि जब हम इस दुनिया से जाए तो हमेशा हमेशा के लिए खुदावन यीशु मसीह के साथ हमेशा युगान युग तक रहते रहे। आमीन। केवल यीशु मसीह का काम चंगाई, छुटकारा, आजादी देना नहीं है, बल्कि आपको अनंत जीवन भी देना है। हालेलुया। इसलिए हमारा गोल, हमारा लक्ष्य केवल चंगाई लेना ना हो, केवल अपने छुटकारा लेना ना हो, केवल अपनी समस्याओं का समाधान लेना ना हो, बल्कि हमारा जो आत्मिक लक्ष्य हो वो सबसे बड़ा लक्ष्य हो कि मैं यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करता हूं कि वो मेरा प्रभु है और मुझे अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं खत्म हो जाऊंगा, तो मेरा प्रभु मेरी आत्मा को अपने पास स्वर्ग लोक में बुलाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जब आप अंत तक विश्वास में बने रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तो आपको अनंत जीवन जरूर मिलेगा। इसलिए अपनी प्राणों की चिंता छोड़ें और आज देखें कि आपकी आत्मा कहां पर है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि वो चंगाइयों को देने वाला परमेश्वर है, या इसलिए विश्वास करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाला और अपने लोगों को भी वहां रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए आज हम बाइबल से एक ऐसी घटना को देखेंगे जहां पर हम दो प्रकार के व्यक्तियों का जिक्र देखेंगे। ये घटना लूका 23 अध्याय उसके 39 वचन, 42 वचन और 43 वचन में है। सभी लोग अपनी बाइबल को खोलें। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 वचन, 42 वचन और 43 वचन हम पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे
उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। आमीन। लूका 23 अध्याय उसके 39 वचन में हम सबसे पहले व्यक्ति का जिक्र देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उसके दाएं और बाएं दो डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, जो अपने पापों की सजा वहां पर भुगत रहे थे। ये डाकुओं ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्राइम किए, बहुत सारे अपराध किए, और सरकार ने इनको पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया है। वहां पर यीशु मसीह को भी जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसी दिन इनकी भी सजा डिसाइड हुई थी कि इनको भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो ये दो डाकू यीशु मसीह के दाएं और बाएं लटके हुए हैं, और उनमें से एक कुकर्मी उसकी निंदा करके कहता है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु मसीह की क्षमता को जानता है, ये व्यक्ति यीशु मसीह की सामर्थ को पहचानता है। क्या पता इसने कभी सुना हो, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को कान देता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है और मुर्दों को भी जिंदा करता है। आमीन। तभी वो कहता है कि तू क्रूस पे क्यों लटका है, वहां से उतरा, खुद को भी बचा और हमें भी बचा ले। क्योंकि इस डाकू को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा में है, बहुत कलेश में है। उसको पता है, मैं मरने वाला हूं, मेरा खून निकल रहा है, मुझे दर्द हो रही है, मेरे पास बचने का और कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन ये मुझे बचा सकता है क्योंकि ये मसीह है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर वो व्यक्ति जो डाकू है, वो अपने प्राणों की फिक्र कर रहा है। उसको सिर्फ आज का दिख रहा है, बस आज मैं ठीक हो जाऊं, आज मैं बच जाऊं, बस मेरी पीड़ा खत्म हो जाए, मेरे कलेश खत्म हो जाए, मेरा शरीर चंगा हो जाए, बस। कहता है, खुद को भी बचा और हमें भी बचा ले। वो जानता है कि यीशु मसीह के पास पावर है, क्षमता है, शक्ति है, ये सब आश्चर्य कर्म करने की। अगर वो चाहे तो अभी हमें बचा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी एक जगह पतरस से कहते हैं कि पतरस, अपनी तलवार को मयान में रख, क्योंकि तो जो तलवार उठाते तलवार से मारे जाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अगर अभी मैंने विनती करी तो मेरा पिता स्वर्ग से 12 पलटन स्वर्ग दूतों की भेज देगा, और अगर वो चाहे तो क्रूस पे भी ना चढ़ाया जाए। हालेलुया। लेकिन वो आज्ञाकारी था, उसने दुख उठा के परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, मारा जाए, हमारे पापों के लिए गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा को वहां पर पूरा कर रहा था। वो डाकू भी कहता है कि इसने कोई पाप नहीं किया, हमने तो पाप किया, इसलिए क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु मसीह वहां निर्दोष था। हालेलुया। जैसा बाइबल कहती है, निर्दोष मेमना, वो परमेश्वर का निर्दोष मेमना था जो हमारे पापों के लिए बलि किया जा रहा था। आमीन। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ अपनी जिंदगी के उस क्षण के लिए कि मैं चंगा हो जाऊं, वहां पर खुदावन की निंदा करता है, कहता अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। आज हमारे जीवनों में बहुत सारी बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम कलेश में आ जाते हैं, जब हम बीमारी में आ जाते हैं, जब संकट में आ जाते हैं, जब परेशानियों में आ जाते हैं, तब हम भी चिल्ला कर कहते हैं, खुदावन, क्या तेरे पास ये क्षमता नहीं कि तू मुझे इसमें से निकाल ले? क्या तू वही यीशु नहीं जो मुर्दों को जिंदा करता है, तो मेरे जीवन में भी आश्चर्य कर्म को कर। बहुत बार बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं यीशु मसीह से, कहते हैं कि मेरे जीवन में भी अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, मुझे चंगा कर। बहुत सारे लोग, हम कई बारी देखते हैं कि चर्च में केवल चंगाइयों के लिए आते हैं, और ऐसे लोगों के विश्वास बहुत कमजोर होते हैं,
वो चाहे चंगे हो जाए तो भी आगे प्रभु में नहीं बने रहते, और जब उनकी चंगाई आने में देरी हो जाती है वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि जो अपने प्राणों की फिक्र करता है वो उन्हें खोता है। यहां पर ये डाकू अपनी आत्मा की फिक्र नहीं करता कि मरने के बाद जब न्याय होगा मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, मैंने इतने अपराध अपने जिंदगी में किए हैं। बस वो यही फिक्र करता है कि अभी के लिए मैं चंगाई को पालूं, अभी के लिए मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा डाकू लटका है जो कहता है, क्या तू नहीं जानता? तब उसने कहा, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। वो जानता है कि यीशु मसीह कौन है और उसका क्या मकसद है, वो क्या करने आया है और उसका फल क्या होगा। हालेलुया। वो कहते हैं, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये एक बहुत जबरदस्त सामर्थी वचन है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। इस व्यक्ति ने जिंदगी भर बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे पाप किए, चोरियां करी, डकैती करी, मर्डर किए, लेकिन क्रूस पर वो इस बात को जान गया कि जो मेरे साथ में है वो मेरे उद्धार के लिए इस काम को कर रहा है, और यदि मैं उस पर विश्वास करूंगा तो चाहे मेरा शरीर मर भी जाए लेकिन मैं हमेशा के लिए स्वर्ग में जाऊंगा। और वो वहां पर कुछ नहीं कहता, बस एक विनती करता है कि हे मेरे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा ध्यान रखना, मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये व्यक्ति जानता है मैं तो मर जाऊंगा, ये शरीर नाशवान है, मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन यदि मैं आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लूंगा कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर लटकाया गया, कोड़ों की मार को सहा और तीसरे दिन जी उठा, वो बोलता है इस बार, कहता है जब तू अपने राज्य में, इसका मतलब वो जानता है कि यीशु मसीह मरने के बाद फिर जीवित होगा। आमीन। वो ये नहीं कहता कि तू मरा रहेगा, तू क्रूस पर चढ़ाएगा, वो कहते हैं जब तू अपने राज्य में आए, अभी यीशु मसीह क्रूस पर है, उसकी मौत निश्चित है, लेकिन कहता है जब तू अपने राज्य में आए, उसको विश्वास है कि ये मरेगा नहीं, क्रूस की मौत इसे दबा नहीं सकती, कुचल नहीं सकती, क्योंकि ये मरने के बाद भी फिर जिंदा होगा। अभी डाकू क्रूस की मौत को देख रहा है लेकिन विश्वास करता है कि मरने के बाद ये जीवित होगा। कहता है जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह उसका विश्वास वहीं पर देखकर कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। यीशु मसीह कहता है, मेरे आने की बात छोड़ कि मेरी सेकंड कमिंग, मैं दूसरी बार कब आऊंगा, लेकिन आज ही जब तू मरेगा तू सीधा स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। ये डाकू जान गया, ये व्यक्ति जान गया कि जीवन का असली मकसद मसीह में क्या है, यीशु मसीह पे विश्वास करने का मतलब क्या है। आमीन। वो समझ गया कि मौत अनिवार्य है, दुख कलेश पीड़ाएं अनिवार्य है, ये आएंगी आएंगी और ये आ भी गई, लेकिन ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की फिक्र करनी है। आमीन। क्रूस की मौत पे वो अपनी आत्मा की फिक्र करता, वहां प्रभु से प्रार्थना करता, मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना, मैं विश्वास करता हूं तेरे ऊपर, और प्रभु यीशु मसीह उसी समय उसको स्वर्ग लोक का वरदान देता है। आमीन। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी दिन आप सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए। आमीन। जिस दिन आपने यीशु को अपना प्रभु माना उसी दिन स्वर्ग में जाना आपका निश्चित हो गया। आमीन। लेकिन कई बार हम अपने प्राणों की चिंता करते हैं, दुख आते रहेंगे, कलेश आते रहेंगे, ये शरीर है, बीमारियां भी आती रहेंगी, संकट भी आते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी आत्मा सुरक्षित है
तो आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है एक मनुष्य अगर सारे जगत को जीत ले और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। आमीन। आप दुनिया में सब कुछ पाले, चंगाइयां, छुटकारा, चमत्कार भी पाले, आश्चर्यकर्म भी पाले और उसके बाद आपकी आत्मा नरक में जाए, यीशु मसीह कहता कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। एक जगह कहते हैं यदि तेरी आंख तुझे ठोकर दे उसे निकाल फेंक, काना होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जा। हालेलुया। इसका मतलब चंगाइयों, छुटकारों, दुष्टात्माओं की आजादी, इन सबसे भी ऊपर एक बात है, यीशु मसीह पर विश्वास करना अपने उद्धार के लिए। आमीन। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आपको चंगाई नहीं देना चाहता, छुटकारा नहीं देना चाहता, दुष्टात्माओं से आजादी नहीं देना चाहता, बिल्कुल देना चाहता है। यशाया 53:5 के अनुसार उसने अपने शरीर पर कोड़े खाए ताकि हम चंगे किए जाएं। हालेलुया। और मरकुस में अगर आप पढ़ेंगे उसने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्टात्माओं को निकालने का यीशु मसीह के नाम में। ये सब कुछ हमारे प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन उससे भी बड़ा है उद्धार जो कि केवल यीशु मसीह के नाम में ही है। हालेलुया। कोई भी नाम वचन कहता है नहीं दिया गया यीशु मसीह के नाम के अलावा जिसके नाम में उद्धार हो। हालेलुया। बाइबल कहती है एक दिन हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर है। आमीन। और यदि आपका विश्वास आज यीशु मसीह पर अपने उद्धार के लिए बना है तो आपको मुबारक हो, आपकी आत्मा बचाई जा चुकी है, आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम अपने प्राणों की चिंता करने से बचे। हो सकता है आज आपके जीवन में दुख हो, कलेश हो, बड़ी सारी दिक्कत परेशानियां हो, लेकिन अपने पवित्र विश्वास को ना छोड़े। प्रभु आपको बेशक आजाद करेगा। आप उसके पास आए हैं, आपको आजादी मिलेगी, आप दुष्टात्माओं से छुटकारा पाएंगे, बीमारियों से चंगाइयां पाएंगे, ये सब आपके लिए होगा। लेकिन यीशु मसीह उससे भी ज्यादा आपकी आत्मा की फिक्र करता है। तो आज केवल चंगाइयों, छुटकारे और समस्याओं के लिए यीशु मसीह पर विश्वास ना करें। उसको बार बार इस बात को ना बोले, प्रभु तू तो सब कुछ कर सकता है, तू मेरे लिए भी कर, तू अभी कर, तू अभी कर। प्रभु करेगा अपने निश्चित समय पर। लिखा है जिन्होंने यहोवा की बाट जोई उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। हालेलुया। यदि आप विश्वास के साथ बाट जो रहे हैं, धीरज धर रहे हैं, आपके लिए वो निश्चित समय पर पूरा करेगा। उसने सुन लिया एक बारी। लिखा चिंता करके ये मत कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अन्य जाति लोग ऐसा करते हैं, इन चीजों की ताक में लगे रहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो आकाश के पंछियों को भी बिना मांगे खिलाता है, जमीन की घास को भी बिना मांगे कपड़े पहनाता है, तो तुम्हारा वजूद उनसे भी बड़ा है और तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। आपको चंगाई की आवश्यकता है, वो चंगाई देगा। आपको दुष्टात्माओं से छुटकारा चाहिए, वो छुटकारा देगा। आपको नवी प्रॉपर्टी चाहिए, नवी प्रॉपर्टी देगा। नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी देगा। आपके घर में एसी नहीं है, वो एसी देगा। फ्रिज नहीं है, फ्रिज देगा। आपकी लोन की, आपकी कर्जे की किश्तें नहीं चुक रही है, वो उसको भी अदा करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा वो आपकी आत्मा को स्वर्ग में ले जाना चाहता है। हालेलुया। ये सब बातें आपके लिए यीशु मसीह के नाम में हो जाएंगी, लेकिन इनके पीछे यीशु मसीह के लिए नहीं आना। इन बातों के पीछे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना कि वो चंगाइयां देता है, छुटकारा देता है। हम इंसान हैं, हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आ जाती हैं, परीक्षाएं आ जाती हैं, लेकिन हम हमेशा याद रखें कि हमारा एक ही पवित्र विश्वास है कि हमारा प्रभु एक दिन आएगा और हमें इस दुनिया से ले जाएगा। हमारा यहाँ पर कोई भी परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। हम यहाँ बहुत थोड़े टाइम के लिए आए हैं, बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं, और उसके बाद हम पवित्र विश्वास के साथ उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए रहने चले जाएंगे। आमीन। तो हम आज से अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धार के लिए बना लें, अपनी आत्मा की चिंता करना शुरू करें कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। ये दुख, दर्द, पीड़ा, कलेश तो आते रहेंगे, जब तक मैं जीवित हूँ ये कहीं नहीं मुझे छोड़ेंगे। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है शैतान यीशु की परीक्षा करने के बाद कुछ समय के लिए चला गया। आमीन। जब ये तक यीशु मसीह भी इस धरती पर रहा, शैतान उसकी हर पल परीक्षा करता रहा, बहुत सारी चीजों के द्वारा।
उसको दुख पहुंचाने की कोशिश करता रहा, बड़ी तरीके से उसके खिलाफ जाता रहा, लेकिन प्रभु ने अपने मकसद को जो पिता ने उसे दिया था पूरा किया। आमीन। ऐसे ही प्रभु चाहता है कि हम उसके समान बने। शैतान दुख पीड़ा कलेश लाता रहेगा। अय्यूब के जीवन में भी शैतान परीक्षाओं को लाया, दुखों को लाया, चिंताओं को लाया, बीमारियों को लाया, इवन उसकी औलादों को उसने खत्म कर दिया, उसके घर को तबाह कर दिया, लेकिन अय्यूब ने कभी परमेश्वर की निंदा नहीं करी। कहता है उसी ने दिया, उसी ने ही ले लिया, मैं तो नंगा अपनी माँ के गर्भ से आया, नंगा ही कब्र में लौट जाऊंगा। आमीन। क्योंकि अय्यूब जानता है ये शरीर कुछ नहीं, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है उसका बहुत मूल्य है। आमीन। इसलिए वो आज की बीमारी, आज की समस्या की फिक्र नहीं करता, वो अपने प्रभु पर भरोसा बनाए रखता है। आमीन। तो आज मेरे प्रियो, ये बीमारियां, ये दुख, ये कलेश, ये लड़ाई झगड़े, कुछ भी आपको प्रभु के प्रेम से जुदा ना कर पाए, आपको उस पवित्र विश्वास से, उस पवित्र उम्मीद से अलग ना कर पाए जो यीशु मसीह में है, कि आपकी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग लोक में होगी। हालेलुया। यदि आज ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, इसी समय आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा मेरे प्रियो। आमीन। ये एक पवित्र आशा और पवित्र विश्वास है जिसके द्वारा एक मसीह व्यक्ति मसीहत में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हालेलुया। केवल बीमारियों की चंगाइयां, छुटकारों के लिए मसीह व्यक्ति नहीं मसीह में चलता, मसीह व्यक्ति अपने पवित्र विश्वास को बनाए रखने के लिए चलता है। ये वही पवित्र विश्वास है मेरे प्रियो, जिसके लिए बहुत सारे प्रेरितों ने, विश्वासियों ने अपनी जानों को कुर्बान तक कर दिया, शेरों की मांदों में उन्हें पा दिया गया, लेकिन उन्हें यीशु का इनकार नहीं किया। आरों के बीच उन्हें काट दिया गया, लेकिन उन्हें यीशु का इनकार नहीं किया। उन्हें उल्टा क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उन्हें यीशु का इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ये शरीर नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, और जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे वो सदैव यीशु मसीह के साथ अमर रहेगी। आमीन। तो आज कलीसिया का जो विश्वास है वो यीशु मसीह पर अपने उद्धार के लिए हो जाए, वो जान ले कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यशाया 53:5 का वायदा कि उसके कोड़ों खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं, वो हमेशा बना रहेगा। आप जब भी यीशु के नाम में चंगाई को मांगेंगे मिलेगी, छुटकारों को मांगेंगे मिलेगा, दुष्टात्मा को भगाएंगे वो भागेगी, लेकिन आपका विश्वास केवल इन बातों से ना बना रहे, बल्कि इन बात पे बना रहे कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता परमेश्वर है। आमीन। जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह। जो लोग इस बात को समझ चुके हैं आज अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो लोग आज इस बात को समझ चुके हैं कि मेरा विश्वास उस दूसरे डाकू के समान हो जिसने अपने प्राणों की फिक्र छोड़कर कि मुझे कितना कलेश, दुख, दर्द, पीड़ा हो रही है, ये नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा वो मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा। आमीन। पहला डाकू सिर्फ अपनी प्राणों की फिक्र में था कि मैं बच जाऊं, ये खुद को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले, और हो सकता है वो बचने के बाद फिर से वही पाप करता, फिर से वही काम करता, और फिर से एक ना एक दिन मरता। क्रूस पर तो उसको चढ़ाया जाना था, मौत उसको आवश्यक ही आनी थी, लेकिन वो अपनी आत्मा की फिक्र नहीं करता। लेकिन दूसरा डाकू वहीं पर अपनी आत्मा की फिक्र करता है। आज अपने आप को जांच लें कि क्या आप अपने प्राणों की फिक्र करते हैं या अपने आत्मा की फिक्र करते हैं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपका पिता है, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, लेकिन वो ये चाहता है कि आपकी आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे। आमीन। मेरे प्रियो, चंगाई छुटकारे पाने के बाद अगर आप नरक में गए तो यीशु मसीह को बहुत दुख होगा, उसका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर आप बीमारी में भी, कलेश में भी यीशु मसीह पर आशा रखते हुए स्वर्ग में चले गए जहां पर कोई दुख पीड़ा नहीं होगी, मालिक है यीशु मसीह खुद सबके आंसुओं को पोंछ डालेगा, तो आप धन्य हो जाएंगे, आप हमेशा युगान युग के लिए धन्य कहलाएंगे। आमीन। यीशु मसीह कहता है जो विश्वास में बना रहेगा, जो अंत तक बना रहेगा, उसको मैं अपना सिंहासन दूंगा, वो
मेरे साथ बैठेगा। हालेलुया, यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत सारी चीजें रखी हैं, बहुत सारे इनाम रखे हैं। ये दुनिया में आपका जीवन केवल 60, 70, 80, 90, 100 सालों तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद युगान युग के लिए आपको कहाँ रहना है वो आपका विश्वास निश्चित करेगा। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।